फौज में नौकरी कर लेता है वो डिसिप्लिन आदमी, और वो एक डिसिप्लिन को कायम कर सकता है अच्छे तरीके से। ये हमारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी तक की सोच है कि जो है भाई एक जो है पहले आर्मी में ज्वाइन करो 4 या 5 साल तो एक डिसिप्लिन सोल्जर तैयार होगा। डिसिप्लिन सोल्जर तैयार होगा तो उसके काम भी डिसिप्लिन। राम राम भाई, मैं आपका भाई नरसी प्रजापत सिमाणी रहा, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन मनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत। आज अपनी टीम पूछी है ग्राम पंचायत अरिता में, ग्राम पंचायत अरिता जो है वो एक भाईचारे का प्रतीक है। इस गांव में हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम करता है ये गांव। तो अरिता गांव में रमेश जी फौजी अपने साथ मौजूद है जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो रमेश जी फौजी के विचार लेवांगे, इनसे जानांगे भी किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, गाँव को लेकर विकास कार्यों को लेकर क्या इनके विचार हैं। आप इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके जो विचार हैं वे आम पब्लिक तक, ग्राम पंचायत अरिता के पूरे हर एक नागरिक तक पहुंच सके। क्योंकि ग्राम पंचायत अरिता से बहुत से दर्शक अपने साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर यूट्यूब पर, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कृपया इस वीडियो को शेयर करें। तो नमस्कार फौजी साहब। राम राम सर। तो फौजी साहब, राजनीति में आप पहली बार उतरे हो या पहले भी कभी राजनीति की? पहली बार उतरे, इससे पहले मैं आर्मी में सर्विस कर चुका। कितने साल करी थी आपने आर्मी में? सर मैं आर्मी में 18 साल कर चुका। तो जी, अब आपके मन में ये क्या उमंग जगी कि अपने को राजनीति करनी चाहिए? उमंग तो ये है जी, एक तो ना रिता गांव में युवा जो है उनका खेल के प्रति, नो सर्विस के प्रति इतना वो नहीं है रुझान। एक अच्छा सरपंच जो चुन के आएगा उनको एक अच्छा प्लेटफार्म देगा, स्टेडियम होंगे उसमें मान लो हर बच्चा भाग लेगा, उनको एक अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा, उनको रोजगार मिलेगा, ये पहला एम है काम। तो फौज साहब, राजनीति को लोग दो तरीके से लेके चलते हैं। एक तो राजनीति में लोग आने राजनीति को बना लेते हैं अपने कमाई का जरिया, एक लोग राजनीति करते हैं देश सेवा की भावना से, समाज सेवा की भावना से। तो आप किस भावना से राजनीति में आए? ऐसा जी फौजी आदमी हूँ, कमाई का तो कोई वो है नहीं, मान लो देश सेवा और ग्राम की जो ग्राम पंचायत रिता की जो भी सेवा होगी वो करने के उद्देश्य से उतरे। ये फौजी साहब के विचार है, इन्होंने देश सेवा की है, फौज में अपनी सेवाएं देते आए हैं, लेकिन अब गांव के लोगों ने इनको जिम्मेदारी सौंपी है। फौज साहब, गांव के 36 बिरादरी मिलकर आपको चुनाव मैदान में उतारा है या कुछ परिवार के लोगों ने? ऐसा जी, पूरा गांव का सहयोग होता है और हमारा जो परिवार है एक बहुत ही अच्छा बड़ा परिवार है, उनका विचार है कि आप राजनीति में आए, और सभी 36 बिरादरियों का जो अपने गाँव की है उनका भी बहुत ही मान लो सहयोग मिल रहा है हमारे। वे कहते हैं कि 36 बिरादरियों का इनको सहयोग है, 36 बिरादरी मिलके इनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो फिर सब बात करूंगा मैं विकास कार्यों की, शिक्षा और स्वास्थ्य की। एक आज हर गांव का दौरा करते हैं हम, देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर गांव पिछड़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप सरपंच चुन के आते हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? पहला ये होगा जी, पहला कदम ये होगा कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है आज के हर युवा के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और जो सबसे पहले है ना अपना एक जो छोटा नीचा तकबा आता है उनको हर चीज हर सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा बच्चा जो स्कूल में नहीं जा पा रहा हो उसको माँ बाप को भी बताया जाए कि बच्चे को स्कूल में भेजो, उनको स्कूल की शिक्षा दिलाने का लिए पूरा वो होगा जी फोकस। सर जी, हर सुविधा से आपका तत्पर्य क्या है? यानी कि आजकल देखे जाते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे ही गर्त में जा रही है। अगर आप सरपंच चुन के आते हो तो इस बारे में क्या सख्त कदम उठाएंगे कि आप युवाओं को अधिक से अधिक नशे ही गर्त से निकाल कर बाहर जाकर उनको रोजगार की तरफ अग्रसर कर सके? पहले बात तो मुझे है ना गर्व है रिता गांव पे, युवा वर्ग पे, कि वो है ना हमारा गांव नशे से बहुत दूर है। गांव मेहनत करते हैं बच्चे, थोड़ा उनको प्लेटफार्म जो है ना कमजोर है, उनको एक अच्छा ढंग से तैयार करके और अवल करने की जरूरत है। फौजी साहब ने एक बड़ी बात बताई है, क्योंकि हर गांव में यहाँ पे जाते हैं यही माहौल देखने को मिलता है कि नौजवान पीढ़ी नशे ही करते में जा रही है, लेकिन फौजी साहब ने बताया कि हमारे रिता गांव में एक मिसाल कायम करता है कि यहाँ पे कोई भी युवा ऐसा नहीं है कि वो नशे की गर्त में जा चुका हो या फिर फंसने की कोशिश कर रहा हो। तो फौज साहब, एक लाइब्रेरी की असुविधा हर गांव में देखने को मिलती है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, युवा बच्चे हैं पढ़ने के लिए, दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर एक लाइब्रेरी की सुविधा अपने गांव सत्र पंचायत सत्र पे या गांव में करवा दी जाए तो उस बारे में क्या? बहुत ही अच्छी है, आपने बोला है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये गाँव में लाइब्रेरी हो तो हर बच्चा उसमें जाएगा, टाइम देगा, एक दूसरे बच्चे को देख के भी उसमें शिक्षा भी लेगा, और पहला कार्य ये करने की कोशिश होगी मैं चुनो या कोई भी भाई चुने कि वो लाइब्रेरी पहले छोट गांव के अंदर बढ़वाई जाए। तो फिर सब लगभग गांव का दौरा तो आप कर ही चुके होंगे,
अब तक आपको लोगों का कितना सहयोग व समर्थन मिला है? ऐसा जी, हर परिवार से चाचा ताऊ ताई भाई बहन सब ने बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। सब ये अपने बेटे को ना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसी तरीके से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा हर जगह से। तो ये फौजी साहब के विचार थे, ये कह रहे हैं कि हर बिरादरी का, हर छोटे बड़े बुजुर्गों का इनको जो सहयोग और समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारी बात आप फौजी साहब की भी गुणवाना भाई, कुछ गांव के गुणवाने लोग और बैठे हैं, इनसे बातचीत करांगे, इनके विचार जानेंगे आप। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी? विक्रम जी। तो जी फौजी साहब चुनाव मैदान में उतरे आपके गाँव से, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? तो क्योंकि इनको नजदीकी से जानते हैं। नजदीक हमारे परिवार का है जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि सरपंच चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं गाँव को विकास के स्तर पर आगे तक ले जाएंगे? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। लोगों का सहयोग और समर्थन कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो अच्छा मिल रहा है, हर परिवार से मिल रहा है सहयोग, हर जाति से, हर परिवार से सहयोग मिल रहा है। एक अंकल जी अपने साथ मौजूद है, फौजी साहब है, देश सेवा इन्होंने भी की है, इनके आप विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुबेदार मांगेराम, रिटायर्ड। तो सुबेदार जी, ये एक मतलब जो फौजी होते हैं देश की सेवा करते हुए अपनी मतलब ड्यूटी निभाते हुए आ रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ जाती है राजनीति में आने, क्योंकि देश सेवा तो कर चुके होते हैं? राजनीति में आने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक की सबकी एक मुहिम है, क्योंकि जो एक इंसान फौज में नौकरी कर लेता है वो डिसिप्लिन आदमी हो जाता है, और वो एक डिसिप्लिन को कायम कर सकता अच्छे तरीके से। ये हमारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी तक की सोच है, जबकि उसने ये किया है कि जो है भाई एक जो है पहले आर्मी में ज्वाइन करो 4 या 5 साल तो एक डिसिप्लिन सोल्जर तैयार होगा, डिसिप्लिन सोल्जर तैयार होगा तो उसके काम भी डिसिप्लिन वाले होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजनीति का कोई मतलब नहीं होता उसमें। अब आगे आने वाले समय में आप देख लेना, जो भी पॉलिटिशियन के बच्चे मैं दिखा दूंगा फौज में जाते हुए, और उनके भी ये लागू होगा जो आप देख रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, ये हमारे लिए नहीं सबके लिए हो जाएगा। तो वहां क्या है, तबका तैयार होता है भाई। आप भी गांव में भी सुनते हो, यहाँ भी सुनते हैं भाई फौजी आदमी है डिसिप्लिन वाला हो, तो पंचुअलिटी डिसिप्लिन दो चीज है, और जिस आदमी की दो चीज होंगी करेक्टर अपने आप उसका ही हो जाएगा। तो ये चीजें वहां सीख के आते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट यहाँ करना में हमारा अगर सहयोग देते हैं उसको राजनीति क्या, एक तो सहयोग है तो गांव का विकास है। तो एक बहुत बड़ी बात है सूबेदार साहब ने बताई है अपने को, क्योंकि जो फौजी आदमी होता है वो डिसिप्लिन में रहकर ही अपनी सर्विस करता है, और डिसिप्लिन उसके पास होता है मुझे तो गांव में भी कहने की डिसिप्लिन की हर गांव को आजकल जरूरत है। तो जी सूबेदार जी, फौजी साहब को कितना समर्थन मिल रहा है गांव से? पहली बात तो जो है छोटा मुंह बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं होती, तो ये तो वैसे तो रिजल्ट आ जाएंगे 25 तारीख को, मेरे ख्याल में तो 70-80% बन ही रहा है ये सहयोग क्या, सबका आशीर्वाद है। कुछ और लोग गांव के अपने साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। तो जी रमेश जी फौजी अपने गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति? बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के, और इसलिए साहब गांव ने इनका सहयोग किया है, और एक सर्वसम्मति से हम एक इनको सरपंच का प्रतिनिधि बना के और गाँव के सुधार के लिए, एक अच्छे डिसिप्लिन के लिए, एक अच्छे बच्चों को शिक्षा मिल जाए अच्छा, एक क्योंकि खेल के प्रति जो है फौजी आदमी की जागरूकता होती है, फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा वो ध्यान देता है इस चीज़ के ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो हैं एक बढ़िया स्टैंड पर खड़े हो जाएं और एक सुथरी शिक्षा और खेल कूद के मैदान में एक अच्छा नाम कमाएं हमारे बच्चे हमारी। तो जी आपको लगता है अगर फौजी साहब सरपंच चुन के आते तो कहीं ना कहीं गाँव को विकास के स्तर पर आगे तक लेके जाए? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी भाई मिल के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के और इनका सहयोग करेंगे और गांव को एक अच्छे सिस्टम में हम डालने की कोशिश करेंगे सर। तो ये ग्रामीणों के विचार थे, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने बताया है कि फौजी साहब के समर्थन में जो वो माहौल एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाई आप भी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि ग्रामीणों के विचार, फौजी साहब के विचार हर गाँववासी तक पहुँच सके। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।